press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेसियों ने वसुंधरा का फूंका पुतला, बजट में अनदेखी का बड़ा आरोप। वहीं भाजपा संगठन प्रभारी ने तारीफ के बांधे पुलिंदे। ट्रेलरों की भिड़ंत में जिंदा जले चालक, स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। शिवरात्रि पर गूंजे हर हर महादेव के जयकारे, भोलेनाथ का किया अभिषेक। दूल्हे की गाड़ी ने बरातियों को रौंदा, 22 हुए घायल, वीडियो हुआ वायरल। और अब समाचार विस्तार से। जहां एक ओर भाजपा ही अपनी सरकार के बजट के कसीदे पढ़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना करते हुए विपक्ष का धर्म निभाने में जुटी है। अलवर में कांग्रेसियों द्वारा नगली सर्किल पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूंका गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि बजट में अलवर की अनदेखी की गई, वहीं अलवर में रुके हुए विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस मौके पर योगेश मिश्रा, डॉक्टर पुष्पा गुप्ता, नरेंद्र मीणा, प्रदीप सिंह और नीलेश खंडेलवाल सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। पूरी तरह निराशा में है वसुंधरा राजे। इतने दिन अलवर रही, क्या उन्होंने देखा नहीं अलवर शहर की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी निराशा कि जिस तरह से अलवर शहर, पूरे अलवर जिले ने उनको हराया है, तो भी उनकी आंख नहीं। उनके लिए शर्मनीय घटना है, ये बीजेपी के लिए शर्मनाक बात है कि अलवर शहर और अलवर जिले को उन्होंने कोई सौगात नहीं दी जो अपेक्षित थी, जो उन्हें देनी चाहिए थी। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जनता की कृपा से कांग्रेस 2 लाख वोट जीती है और वसुंधरा सरकार ने जो अलवर जिले की जो अनदेखी करी है, खासकर अलवर शहर की जो अनदेखी करी है, उसके विरोध में आज हम सब कांग्रेसजनों ने इकट्ठा होकर के उसके विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। और आगे भी ऐसे विरोध प्रदर्शन अगर अलवर की अनदेखी करी तो हम सब लोग मिलकर करते रहेंगे, उसमें आपका सबका सहयोग अपेक्षित। पुतला दहन किया है उसका, ये वसुंधरा राजे का पुतला दहन किया गया था, क्योंकि हमारे अलवर शहर तो जिस तरह से इन्होंने बजट में अपेक्षा का शिकार किया है, आप देखिए इतना बड़ा रेवेन्यू अलवर जिले से जाता है। वसुंधरा राजे जब जब अलवर जिले में आई है, अधिकांशतर रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में भिवाड़ी और इस तरफ आई है, उसके बाद भी अलवर जो इतना टकटकी लगाए बैठा था, हमारी जो मेडिकल कॉलेज की आस थी, हमारा चंबल का जो पानी की आस थी, हमारा मिनी सेक्रेटरीट की आस थी, इस तरह बहुत सारी योजनाएं थी जो पूर्ववर्ती इन लोगों ने 4 सालों में घोषणाएं की, उसके बाद भी इन लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं किया। वसुंधरा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को जिला स्तर पर प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर संगठन पदाधिकारियों और विधायकों द्वारा बजट में पारित विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अलवर में एक रिसोर्ट में जिला संगठन प्रभारी अखिल शुक्ला, मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, हेम सिंह भड़ाना और जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने मीडिया के समक्ष बजट की व्याख्या कर बताया कि भाजपा सरकार का बजट सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। संगठन प्रभारी शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वसुंधरा सरकार का बजट ऐतिहासिक है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट की प्रशंसा पूरे प्रदेश में हो रही है और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। हमारे मुख्यमंत्री ने सब वर्गों का ध्यान रखा है, बच्चों का भी ध्यान रखा है, बुजुर्गों का भी ध्यान रखा है, युवाओं का भी ध्यान रखा है, बेरोजगारों का भी ध्यान रखा है, कृषकों का भी ध्यान रखा है और उन्होंने महिलाओं का भी ध्यान रखा है, सरकारी कर्मचारियों का भी ध्यान रखा है। उन्होंने इस बात का छोटे छोटे बिंदुओं का ध्यान रखा है कि बुजुर्ग व्यक्ति यदि यात्रा करे तो उसकी सुविधा का भी ध्यान रखा है, उसको निःशुल्क यात्रा की बात भी करी है। ऐसे पूरे बजट में सब लोगों को किस तरह से लाभ दिया जाए, प्रत्येक वर्ग को किस तरह से लाभ दिया जाए, जन कल्याणकारी कार्यों को किस तरह से किया जाए, गरीब को गणेश मानकर किस तरह से कार्य किया जाए, अंत्योदय की भावना को लेकर के कि
किस तरह से उत्थान किया जाए उसके लिए भी दो योजनाएं सुंदर सिंह जी भंडारी की और भैरव सिंह जी शेखावत साहब के नाम पर योजनाएं हैं। पूरे बजट में आपने देखा होगा कि सब स्पर्शी बजट है और सब लोगों का दिल जीतने वाला बजट है। और वैसे तो आपने देखा कि विकास के कामों में पहले भी विकास के खूब काम हुए और अब उनकी गति को और तेज किया गया। उस तेज गति में और किस तरह से सरकार सब लोगों का दिल जीत सके, सबकी विश्वास पे खरी उतर सके, ऐसा प्रयास सब जगह से किया गया है। उधर जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि बजट की पूरे प्रदेश में तारीफ है और वहीं विपक्ष का सरकार बनाने का सपना भी चूर चूर हो गया है। कांग्रेस और सारे विपक्षी दल इस बजट की शानदार उपलब्धि से भौचक्के रह गए हैं। उनको उनका सपना जो दोबारा सरकार बनाने का था मेरी दृष्टि में चकनाचूर हो गया। इसी दौरान श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने भी अलवर जिले की सबसे बड़ी समस्या पानी पर वसुंधरा राजे द्वारा 35,000 करोड़ की डीपीआर बनाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। अभी आप जिले नहीं रह सकते बिना पानी, टाइम बाउंड है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, कोई भी सरकार आए अब डीपीआर मंजूर होने के बाद हम रहे या कोई और रहे या ना रहे, पर अलवर की जनता को पानी मिलेगा। ये वसुंधरा ने बहुत बड़ा भागीरथी का काम किया है। उधर प्रेस वार्ता में मौजूद मंत्री हेम सिंह भड़ाना से पूछने पर कि थाना गाजी में बजट में क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में पिछले बजट सहित एनसीआर का पैसा काफी मिल चुका है जिससे अनेक विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। मेरे क्षेत्र की जो आवश्यकता थी आपका जानकारी के लिए अर्ज कर देता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो आवासीय महाविद्यालय छात्रावास हो 200 करोड़ रुपए मैंने मांगा था, एक नंबर। दूसरा नंबर मेरे क्षेत्र में आपकी जानकारी के लिए सबके कह रहा हूँ, आपने कहा थानागाजी में टहला सब तहसील पिछले बजट में बनी थी जिसका शिलान्यास मेरे द्वारा हुआ और जिसका उद्घाटन मेरे द्वारा हुआ है। तीसरे 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदर्श बने और 13 मेरे 133 ग्रेड सबस्टेशन बने। उधर इस मौके पर शहर विधानसभा प्रभारी अशोक गुप्ता सहित कई नेता भी उपस्थित रहे। दो दिन पूर्व ज्ञानदेव आहूजा के ऑडियो वायरल पर आज श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने विधायक आहूजा पर तीखा जवानी वार किया है। उन्होंने आहूजा को मानसिक रूप से विकृत कहा, साथ ही हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। दो दिन पूर्व रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा का ऑडियो वायरल होने पर श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि इस तरह के बयान मानसिक विकृति का परिणाम है। उपचुनाव में प्रत्याशी रहे डॉक्टर यादव के अनुसार चुनाव में ना तो सरकार हारी है और ना ही वसुंधरा राजे हारी है, हार की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अगर देश को भी लाभ नहीं, खुद को भी लाभ नहीं और पार्टी को लाभ नहीं तो कहीं ना कहीं वो इंसान मानसिक परेशानी, कहीं ना कहीं ये मेरा डॉक्टर हो क्योंकि मैं फिजिशियन भी हूँ तो मैं इस बात को जानता हूँ, कहीं ना कहीं परेशान। पार्टी के अंदर एक एक विधायक मेरे साथ रहा, एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ रहा, जो भी आए सबने मेहनत की। चुनाव हारा है तो ना तो वसुंधरा हारी, ना परिणामी हारा, ना मोदी जी हारे, ना अमित शाह हारा। चुनाव हारा हूँ तो मैं हारा हूँ, ये सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर लेता हूँ। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व विधायक आहूजा का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कार्यकर्ता से बातचीत करते हुए उन पर शीर्ष नेतृत्व को कोसने के आरोप है। सर इतनी तगड़ी मार जो है सारी जगह सी पड़ी क्यों, चक्कर क्या रहा, ये कुछ समझ नहीं सकते आप। अरे तो वसुंधरा बदनाम, जसवंत बदनाम, सरकार बदनाम, ये तो सरकार आ रही है तो तुम थोड़ी आ रहे हो, मैं थोड़ी आ रहा हूँ। ये तो 17 विधानसभा सीटों का चुनाव हुए, 8 अलवर के, 8 अजमेर के, 1 मांडलगढ़, 17 विधानसभा चुनाव में हारे हैं। तो तू ओम प्रकाश बजीठ नहीं आ रहा हूँ, चौधरी ज्ञानदेव आहूजा नहीं आ रहा, सरकार हारी है। इस पर आज उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी रहे डॉक्टर जसवंत यादव ने ज्ञानदेव आहूजा को मानसिक तौर पर विकृत बताया। अजमेर जिले में दो ट्रेलरों के बीच आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। इस टक्कर के बाद दोनों ट्रेलरों में आग लग गई। हादसे में दोनों चालक जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई, जबकि दोनों खलासी गंभीर हालत में हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
यह घटना सरवार थाना इलाके के कोहड़ा गांव स्टेट हाईवे की है। जानकारी के मुताबिक दोनों ट्रेलर अजमेर कोटा स्टेट हाईवे से होकर गुजर रहे थे। अचानक दोनों वाहन आमने सामने भिड़ गए और इनमें आग लग गई। घटना में दोनों चालक जिंदा जल गए, साथ ही खलासी भी बुरी तरीके से झुलस गए। यहां से गुजर रहे अन्य ट्रक चालकों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पुलिस ने खलासियों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर है। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने बमुश्किल खुलवाया। महाशिवरात्रि पर आज शिवालयों और मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए बड़ी तादाद में भक्त उमड़ पड़े। जयपुर में चोड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर, झारखंड महादेव क्रिंस रोड और मोती डूंगरी स्थित एक लिंगेश्वर महादेव सहित अन्य मंदिरों में अभिषेक किया गया। उधर जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में विदेशी भी इस पर्व को मनाने पहुंचे। यहां ब्राजील से आए विदेशी दल ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर भक्ति संगीत पर डांस किया। इसके अलावा अलवर के त्रिपोलिया शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। अन्य मंदिरों में भी भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। इस मौके पर भक्त भगवान शिव का दर्शन कर दूध दही से अभिषेक करते हुए नजर आए। मंदिरों में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बम बम भोले की गूंज सुनाई दी। यूं तो देश भर में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन अनेक मंदिर ऐसे हैं जिनकी बात ही कुछ और है। महाशिवरात्रि के मौके पर इन मंदिरों की चर्चा प्रासंगिक है। नर्मदा किनारे ओंकार पर्वत पर बना ओंकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ममलेश्वर नाम से प्रसिद्ध चौथे नंबर के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में रोज भगवान शिव और पार्वती यहां आकर चौसर पांसे खेलते हैं। यह सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पांसे की बिसात बिछाई जाती है। रात में गर्भगृह में कोई जा नहीं सकता, फिर भी कई बार वहां पांसे उल्टे मिलते हैं। इसी तरह इंदौर स्थित महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग महाकाल में बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए निरंतर 44 घंटे तक जागेंगे। साल में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब बाबा महाकाल पूरी रात शयन नहीं करते। कल देर रात 2 बजे मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह के पट खोलकर भगवान को जगाया और 2:20 पर भस्म आरती की। यहां भी दूर दराज से लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दूल्हे की गाड़ी के साथ साथ डांस करते हुए चल रहे बारातियों पर अचानक यह गाड़ी मौत बनकर छा गई। डीजे की धुन पर डांस करते हुए चल रहे लोगों को दूल्हे की स्कॉर्पियो ने ही रौंद दिया, फिर रिवर्स गियर में पीछे आ रही महिलाओं पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना में कुल 22 लोग घायल हो गए, वहीं ड्राइवर और दूल्हा दोनों फरार हैं। पुलिस के अनुसार छत्तीसगढ़ के जांजगीर इलाके में राधेलाल चंद्रा के बेटे मिलन चंद्रा की शादी होनी थी। इसके परिवार के सदस्य और मेहमान एक परंपरा चूल माटी के लिए गांव के देव स्थान में मिट्टी लेने गए थे। वहीं दूल्हा घर के कुछ बच्चों के साथ स्कॉर्पियो में सवार था। गाड़ी के आगे लोग डीजे की धुन पर डांस करते हुए चल रहे थे, वहीं पीछे महिलाएं रस्म के लिए चल रही थी। सकरी गली में अचानक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और ड्राइवर ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। इसके चलते गाड़ी सामने जा रहे लोगों पर चढ़ गई। उन्हें बचाने के लिए हड़बड़ी में चालक ने रिवर्स गियर लगाया तो पीछे चल रहे लोग चपेट में आ गए। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस द्वारा घायलों को अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद स्कॉर्पियो में बैठा दूल्हा बेहोश हो गया और होश में आने पर पुलिस द्वारा घायलों को अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद स्कॉर्पियो में बैठा दूल्हा बेहोश हो गया और होश में आने के बाद फरार हो गया। साथ ही ड्राइवर भी मौके से फरार है। इस घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई।
नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा दिव्यांगों के लिए अलवर जिले के बहरोड़ में एक विशेष कैंप लगाया गया। इस दौरान दिव्यांगों की जांच के साथ ही उनका ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, वहीं उपकरण भी वितरित किए गए। संस्थान से जुड़े डॉक्टर अरविंद गोस्वामी ने बताया कि इस शिविर में नारायण सेवा संस्थान से आए विशेषज्ञ डॉक्टर आर एस गुप्ता द्वारा 110 दिव्यांग जनों की निशुल्क जांच की गई। इसके अलावा परामर्श के अनुसार उन्हें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, वॉकर और श्रवण यंत्र आदि उपकरण दिए गए। वहीं ऑपरेशन योग्य 20 दिव्यांगों का चयन किया गया, जिनका उदयपुर ले जाकर निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिकिशन शर्मा ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रघुवीर सिंह, डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर अरविंद गोस्वामी और भवानी सिंह शामिल थे। इस कार्यक्रम में नारायण सेवा संस्थान की अलवर शाखा के अध्यक्ष आर एस वर्मा, उदयपुर से आए प्रभारी हरि प्रसाद लड्डा आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के अंत में आत्मीय स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समारोह में आए सभी भामाशाहों का मेवाड़ की पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया, जबकि मंच संचालन पंडित अशोक बोहरा द्वारा किया गया। तपस्या और त्याग के लिए भक्त अलग अलग तरीके अपनाते हैं, इसके जरिए श्रद्धा और संयम का परिचय मिलता है। अलवर में ऐसी ही युवा साध्वी शिवा ने 11 साल के बाद आज अपना मौन व्रत तोड़ा है। उन्होंने यह व्रत महामंडलेश्वर स्वामी भगवान देव परमहंस की प्रेरणा से रखा था। वहीं उन्हीं के आदेश पर 11 वर्ष पूरे होने के बाद शिवा ने मौन त्याग दिया। इस मौके पर उनके परिजन स्वामी दिनेशानंद और अन्य श्रद्धालु भी मौजूद रहे। वहीं शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। आज भगवान देव जी महाराज, जो हमारी बहन है शिवा, 11 साल से मौन धारण करके भगवान की भक्ति में रह के और अपने अलवर के लिए बल्कि अपने देश के लिए उन्हें अपना सारा जीवन भक्ति में त्याग दिया। तो महाराज की जो कृपा हो जाती है, उस कृपा अगर किसी की भी हो जाए तो वो कृपा कभी व्यस्त नहीं जाती। गुरु की कृपा से मेरी बहन शिवा ने 11 साल में मौन व्रत अब ये खोल रही है, जिसको अब गुरु जी खुलवाएंगे। मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे गुरुदेव महामंडलेश्वर योगाचार्य स्वामी भगवान देव परमहंस, जिनके हम शिष्य स्वामी दिनेशानंद और मेरी बड़ी बहन शिवा, जिन्होंने 11 वर्षों तक ये दिव्य तप किया है, उन्हीं के चरणों में रह करके हमने अपने आप को जाना और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने 11 वर्ष तक दिव्य तप किया है। क्योंकि गुरुदेव ने इन्हें भी 14 वर्षों तक गंगोत्री में रह करके, उत्तरकाशी में रह करके, मुनिकीर्ति ऋषिकेश में रह करके बहुत अदृश्य मौन करते हुए तप किया था, और उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि अब आप समाज के हित में, राष्ट्र के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए अब आप आगे बढ़िए। नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे दो आरोपियों को नागौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही लाखों रुपए की अवैध शराब भी बरामद की गई है। पुलिस थाना परवतसर को बाईपास पर मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुचामन सिटी की ओर से एक टाटा ट्रक 407 आ रहा है, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब है। सूचना पर पुलिस ने परवतसर बाईपास पर नाकेबंदी शुरू कर दी। नाकेबंदी के दौरान मुखबिर द्वारा बताया गया ट्रक आता हुआ नजर आया। चालक पुलिस टीम को देखकर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और पकड़ लिया। पुलिस ने बाद में ट्रक को चेक किया तो उसमें हिमाचल प्रदेश निर्मित शराब के 119 कार्टून पाए गए। इसमें 1428 बोतलें अवैध शराब की भरी हुई थी। गिरफ्तार आरोपी नगराम और अर्जुन बाड़मेर जिले के धोरीमना इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस इन तस्करों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। केरल के कोच्चि शिपयार्ड में मंगलवार को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के एक टैंकर में विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। विस्फोट के समय अधिकतर दैनिक मजदूर और ठेके पर काम करने वाले कामगार मौजूद थे। मंगलवार को अवकाश होने की वजह से शिपयार्ड का कोई भी नियमित कामगार वहां मौजूद नहीं था। यह विस्फोट सुबह लगभग 11 बजे ONGC टैंकर में हुआ। इस दौरान लगभग 20 मजदूर काम कर रहे थे। कोची शिपयार्ड में बीते एक महीने से मरम्मत का काम चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी और शिपयार्ड के शीर्ष अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। कोची शहर के पुलिस आयुक्त MP दिनेश ने मीडिया को बताया कि धमाके के बाद धुएं से दम घुटने से लोगों की मौत हुई। घटना की जाँच के आदेश दिए गए हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
कांग्रेसियों ने वसुंधरा का फूंका पुतला, बजट में अनदेखी का बड़ा आरोप। वहीं भाजपा संगठन प्रभारी ने तारीफ के बांधे पुलिंदे। ट्रेलरों की भिड़ंत में जिंदा जले चालक, स्टेट हाईवे पर हुआ हादसा। शिवरात्रि पर गूंजे हर हर महादेव के जयकारे, भोलेनाथ का किया अभिषेक। दूल्हे की गाड़ी ने बरातियों को रौंदा, 22 हुए घायल, वीडियो हुआ वायरल। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।